Hey guys, welcome back to our channel Bollywood Bustle. मैं विंध्या. आज की टॉप खबरें सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. वेदा का टीजर हुआ रिलीज. जॉन अब्राहम और शर्वरी वाघ की मच अवेटेड फिल्म वेदा का टीजर आज रिलीज हो चुका है. मजबूर शर्वरी एंटागोनिस्ट अभिषेक बैनर्जी के अगेंस्ट फाइट करती है जॉन की मदद से, और इस दौरान क्या क्या होता है यही इस फिल्म की प्लॉट है. सूर्या की फिल्म हो गई फिर से पोस्टपोन. तमिल एक्टर सूर्या अब नेक्स्ट नजर आने वाले हैं सुधा कोंगार की पुराना अनोरू में. लेकिन आज अपने एक्स पर सूर्या ने फिल्म की पोस्टपोनमेंट की बात करते हुए लिखा, पुराना अनोरू बहुत कास्ट फिल्म है लेकिन इस फिल्म को और वक्त की जरूरत है. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म आपको एंटरटेन करे. हम जल्द ही फ्लोर्स पर जाएंगे. विकी कौशल ने क्यों किया डंकी में स्पेशल कैमियो. द वीक को दिए रीसेंट इंटरव्यू में विकी कौशल ने बात की अपने डंकी कैमियो के बारे में. अगर राजू सर मुझे बस फिल्म में एक पासिंग शॉट देने को भी कहते तो मैं दे देता. मुझे वो एज अ डायरेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने डंकी की. प्लस मुझे फिल्म की कहानी बहुत अच्छी लगी, कहा विकी ने. इस क्रिकेटर के टैंट्रम्स हैंडल किए शाहरुख खान ने. एक रीसेंट इंटरव्यू में अपने केकेआर दिनों को याद करते हुए गौतम गंभीर ने कहा, पहले तो मैं शाहरुख खान और वेंकी बाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ. दोनों ने मेरे बहुत टैंट्रम्स हैंडल किए हैं. मैं एक टफ आदमी हूँ, मुझसे डील करना मुश्किल है, लेकिन डे वन से शाहरुख सर ने मुझसे कहा, ये तुम्हारा फ्रेंचाइज है, इसे तोड़ो या बनाओ ये तुम्हारी मर्जी है. टीम देवरा कहाँ जा रही है आज. आज सुबह एयरपोर्ट पे जूनियर एनटीआर और देवरा की पूरी क्रू स्पॉट की गई, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है. सूत्रों के मुताबिक पूरी टीम हेड कर रही है गोवा, जहां देवरा के गाने की शूटिंग होगी. इस शेड्यूल में जूनियर एनटीआर के साथ जानवी कपूर और सैफ अली खान भी मौजूद होंगे. मिथुन चक्रवर्ती के बेटे को सेट से बाहर फेंकने की बात क्यों की सलमान खान ने. मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी ने एक रीसेंट इंटरव्यू में बात की कि कैसे उनके पिता के गुडविल की वजह से इंडस्ट्री के एक्टर्स उनसे बहुत प्यार करते हैं. सलमान और उनकी इक्वेशन की बात करते हुए नमाशी ने कहा, सलमान भाई राधे के लिए शूट कर रहे थे, मैंने भी बैड बॉय रैप किया था तो मैं उनसे मिलने गया. जब मैं उनके पैर छूने लगा तो उन्होंने मुझसे सीधा कहा, बस कर, ये सब मेरे साथ मत करना, मैं तेरी उम्र का ही हूँ, तो अगर तूने अगली बार ऐसा किया स्पेशली दिशा पटानी के सामने तो मैं तुझे सेट से बाहर फेंक दूंगा. सलमान भाई से मिलने का पहला रूल, उनके पैर कभी मत छूना. नमाशी ने इसके बाद अमिताभ बच्चन की भी बात की और बताया कि वो वही मिथुन सर के बहुत खास दोस्त है. अमित जी हर रोज पापा की तबीयत के बारे में पूछते हैं और उन्होंने खुशी खुशी हमारे प्रोडक्शन बैनर को भी लॉन्च किया, कहा नमाशी ने. अपने नेक्स्ट फिल्म की अपडेट्स दी राजामौली ने. एसएस राजामौली ने आज अटेंड किया जापान में आरआरआर का स्पेशल स्क्रीनिंग, और इस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने नेक्स्ट फिल्म की बात करते हुए कहा, अभी मेरे नेक्स्ट फिल्म की प्री प्रोडक्शन चल रही है, कहानी मैं लिख चुका हूँ लेकिन अभी तक फिल्म की कास्टिंग नहीं हुई है, सिर्फ फिल्म के मेन हीरो लॉक हुए हैं, उनका नाम है महेश बाबू. पैप से क्या मांगा श्रद्धा कपूर ने. कल रात को श्रद्धा कपूर अटेंड कर रही थी एक अवार्ड फंक्शन और वहां से उनकी एक वीडियो आज वायरल हुई. पैप्स को पिज्जा खाते हुए देख श्रद्धा उनके पास गई और उनसे पूछा, आपके पास एक्स्ट्रा स्लाइस है क्या. इस पर पैप्स ने श्रद्धा को वेलकम किया और उन्हें खुशी खुशी पिज्जा ऑफर किया. श्रद्धा ने फिर से पूछा, मैं पक्का ले लूँ ना, जिसके बाद उन्होंने पिज्जा एंजॉय किया. और जाते वक्त श्रद्धा ने पैप से कहा, मुझे बहुत भूख लगी थी, थैंक यू, अगली बार मैं आपको पक्का ट्रीट दूंगी. और श्रद्धा की इस क्यूट वीडियो पर फैंस आज खूब प्यार बरसा रहे हैं. भूमि पेडनेकर की नई सीरीज हुई अनाउंस. बक्शक की सक्सेस के बाद अब भूमि पेडनेकर ने अपने नेक्स्ट ओटीटी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की. ये एक वेब सीरीज है जिसका नाम है दल दल, और आज इस थ्रिलर की पहली पोस्टर रिलीज हुई है. सितारे जमीन पर की बिहाइंड द सीन्स पिक्चर शेयर की जेनेलिया ने. आमिर और जेनेलिया फिलहाल शूट कर रहे हैं सितारे जमीन पर के लिए, और आज सुबह सोशल मीडिया पे जेनेलिया ने इस अपकमिंग फिल्म की सेट से अपने और आमिर की एक पिक शेयर की. इस पिक को देखने के बाद लोग अब इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए एक्साइटेड है.
वॉर 2 की सबसे बड़ी एक्शन सीक्वेंस हुई रिवील। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉर 2 में ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर आमने सामने आके लड़ाई करने वाले हैं एक जापानीज मॉनेस्ट्री सेटअप में, और इसी के चलते एक बड़ा सा सेट कंस्ट्रक्ट किया गया है YRF स्टूडियोज में। ये सेट 300 साल पुराने जापानीज मॉनेस्ट्री से इंस्पायर्ड है। ये एक बहुत बड़ा सीक्वेंस होने वाला है फिल्म में, एंड पूरी टीम जापान नहीं ट्रैवल करेगी बल्कि इस इम्पोर्टेंट सीक्वेंस की शूटिंग इंडिया में ही होगी। सूत्रों की माने तो ऑलरेडी फिल्म के कुछ एक्शन सीक्वेंसेस आयान मुखर्जी ने स्पेन में शूट कर लिए हैं। फिलहाल ऋतिक रोशन ऑलरेडी अपने कैरेक्टर की शूटिंग शुरू कर चुके हैं, जिसकी पिक्स कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे लीक हुई थी। एंड खबरों के मुताबिक जूनियर एनटीआर भी अगले महीने से वॉर 2 की टीम को ज्वाइन करेंगे शूटिंग के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉर 2 शेड्यूल के हिसाब से चल रही है एंड ऋतिक जून में अपनी शूट रैप करेंगे। इसके बाद जूनियर एनटीआर नेक्स्ट 25-30 डेज तक शूट करेंगे एंड फिल्म की रैप रिपोर्टेडली जुलाई 2024 में हो जाएगी। क्या डॉन 3 हुई पोस्टपोन? फरहान अख्तर की डॉन 3 पिछले साल अनाउंस की गई थी, और पिछले साल ही मेकर्स ने अनवील किया कि रणवीर सिंह इस फिल्म के लीड होंगे। एंड पिछले कुछ दिनों पहले अनाउंस किया गया था कि कियारा आडवाणी है डॉन 3 की लीड एक्ट्रेस। खबरें आई कि रणवीर एंड कियारा इस साल जून में डॉन 3 की शूटिंग शुरू करेंगे, लेकिन एक रीसेंट इंटरव्यू में फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर ने खुलासा किया कि वो जुलाई में एक फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे जिसमें वो लीड है और उनका पूरा फोकस उसी पर है फिलहाल। सूत्रों की माने तो डॉन 3 की टीम को अभी तक विलन नहीं मिला है फिल्म के लिए, एंड फरहान की अपकमिंग फिल्म के चलते भी अब मेकर्स ने फिल्म की शूटिंग इस साल के एंड को पुश कर दी है। रिपोर्टेडली रणवीर और कियारा इस महीने से अपनी एक्शन ट्रेनिंग भी शुरू करने वाले थे, लेकिन अब इस डिले की वजह से शायद वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। इस शूटिंग डिले के बाद अब देखना होगा कि डॉन 3 की कास्ट में कौन कौन जुड़ता है एंड फिल्म अगले साल कब रिलीज की जाएगी। रणवीर की एक्शन फिल्म कन्फर्म की आदित्य धर ने। रिसेंटली खबरें आई थी कि उरी डायरेक्टर आदित्य धर अब रणवीर सिंह के साथ काम करेंगे नेक्स्ट, और आज एक इंटरव्यू में इस फिल्म को एड्रेस करते हुए आदित्य ने बताया कि फिल्म अभी कंफर्म नहीं हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो अभी कुछ पेपर वर्क बचा है, लेकिन रणवीर ऑन बोर्ड है। डॉन 3 एंड शक्तिमान की पोस्टपोनमेंट के चलते रणवीर शायद इसी फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू करेंगे। सिटाडेल इंडिया की पहली झलक हुई रिलीज। Amazon Prime वालों ने आज अनाउंस की है अपनी अपकमिंग सीरीज सिटाडेल हनी बनी। इस पोस्टर में हम वरुण और समंता की झलक देख सकते हैं स्पाइस की तरह। योद्धा बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर योद्धा वीकडेज पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देख रही है बॉक्स ऑफिस पर। फिल्म ने कल फर्स्ट मंडे को कलेक्ट किए 2.15 करोड़ और आज डे 5 पर अभी तक 91 लाख की कलेक्शन हो चुकी है। इससे फिल्म की टोटल कलेक्शंस पहुंची 19.91 करोड़ पर। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।